हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागा कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट, जहां बस 5 मिनट में हम आज बात करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में. बिकॉज दिस वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज ट्राइंग टू टेक सम लोन फ्रॉम दिस एजेंसी बिकॉज इट वॉन्ट टू प्रोक्योर द COVID-19 वैक्सीन वगैरह. तो चलिए ज़रा बात करते हैं AIIB के बारे में, जहां हम देखेंगे AIIB है क्या, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब ज़रा डिटेल में जानेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा बात करते हैं AIIB के बारे में, दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. कहा जाता है दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म टू काउंटर द वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF, जिनकी हेजमनी बन रखी थी. मोस्टली ये चाइना का इनिशिएटिव था, काफ़ी बीजिंग की कंट्री इसका हिस्सा थी. और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मेन पर्पस है, ये बनी थी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से डिफरेंट है क्योंकि वो 1960s में बनती है, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है. बट इसका हेडक्वार्टर, इन दोनों की कंपैरेटिव वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, यू कैन गो एंड वॉच इट. तो ये आपका 2015 में बनी थी, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है. और इसका जो मेन पर्पस है, दैट इज़ रीजनल डेवलपमेंट, दैट मीन्स एशिया पैसिफिक का डेवलपमेंट. नाउ फॉर दिस, हाउ डज इट लाइक अटेम्प्ट टू डू सो, ये ऐसा करना कैसे चाह सकती है. नाउ इन ऑर्डर टू डू सो, वॉट इट इज़ डूइंग इज इट इज़ फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी. इसका मेन एम है कनेक्टिविटी, ये इसका मेन एम है. उसके लिए ध्यान देगी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, बिजनेस टू बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी. एंड नेक्स्ट इज फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी. ओवरऑल इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो काम क्या, पर्पस क्या है, डेवलपमेंट लेकर आना. हाउ, बाय कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड कनेक्टिविटी वाया इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट इट इनहेंसेस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. आप इस तरीके के मेन्स में डायग्राम बना के आ सकते हैं. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल ब्रिंगिंग द प्रोडक्टिविटी. इन ऑर्डर टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि ये जो यहाँ के जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, उनमें ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. जैसे आपका डैम बिल्डिंग हो रही है, कोई एनर्जी सेक्टर है, कोई ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना. सो दिस इज वॉट दे आर फोकसिंग ऑन. अब जरा बात करते हैं इसकी मेंबरशिप वोटिंग राइट के बारे में. अच्छा, इसकी जो मेंबरशिप है, आपको लगता होगा ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए है, बट इसकी मेंबरशिप नॉन रीजनल कंट्रीज़ में भी है. तो ओवरऑल 100 कंट्रीज इसके मेंबर है, 103 के आसपास एक्सीड कर गए होंगे. सो मोर देन 100 कंट्री आर इट्स मेंबर. उसमें से आपकी रीजनल जो इसके मेंबर है, वो रीजनल भी है, नॉन रीजनल भी है, जो कि आप आगे देखोगे. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. ओवरऑल 57 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं. और ये जो कंट्रीज़ हैं, या एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक का हिस्सा रह चुके हैं, तो उसके बाद ही AIIB के आसानी से मेंबर बन जाते हैं. अच्छा, एक चीज़ और, इसकी टोटल कैपिटल जो है वो $100 बिलियन के आसपास अभी तक देखी गई है. इतना ना $100 बिलियन है. नाउ कमिंग टू द गवर्नेंस, गवर्नेंस में आते हैं वोटिंग राइट. Each member's voting right is proportional to the contribution. तो $100 बिलियन में different countries का contribution है, क्योंकि the talking about infrastructure, investment के लिए पैसा चाहिए. पैसा कहाँ से आएगा, member contribute करेंगे. तो जितना contribute करेंगे उतना ही subscription होता है, और वो भी एक हद तक decided है. जैसे सबसे ज़्यादा contribution चाइना का है 26.7%, जैसे वर्ल्ड बैंक में US का इतना बड़ा contribution है, AIIB में चाइना का इतना बड़ा contribution है. तो कहने को तो वेस्टर्न कंट्री की हेजमनी को तोड़ने के लिए से लाए थे, जिसमें किसी एक कंट्री की हेजमनी ना हो. बट आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे चाइना की हेजमनी बन जाती है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक शेयर है उसके पास 26.7%. सेकेंड नंबर पे हमारी इंडिया आती है विद द शेयर ऑफ 7.6%. उसके बाद रशिया आती है 6.01, एंड देन जर्मनी 4.2. इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जो रीजनल मेंबर है काफ़ी सिग्निफिकेंस, नॉन रीजनल मेंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं. राइट, दिस इज वन थिंग यू कैन कीप इन माइंड. चलिए वापस आते हैं अब इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे. अगर इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर है, जहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं. मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई एक अपॉइंटेड होता है. नाउ दिस बोर्ड ऑफ गवर्नर अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके पास मोस्ट ऑफ द पावर डेलीगेटेड होती है. तो इसका काम होता है इसके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना.
ओके, यू विल कीप इन माइंड दस थिंग, यू विल कीप इन माइंड कि बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उसके एक्ट को इम्प्लीमेंट आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है. नाउ दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि एक्चुअली 12 हैं, इसमें से जो 9 है वो 9 आपके रीजनल हैं, 9 आर रीजनल, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3 आर नॉन रीजनल. ओके, तो ये आपके एशिया पैसिफिक से आएंगे, वहाँ पे जो आपके नॉन रीजनल हो सकती है जैसे जर्मनी वगैरह. ऑल्सो द प्रेसिडेंट है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है इनका, जिसकी 5 साल की टर्म होती है, साथ में एक इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ये आपकी एडवाइजरी बोर्ड होता है आपका, इसका काम होता है इनको एडवाइस करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी. सो IAP इज एक्चुअली इंटरनेशनल एडवाइजरी, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एडवाइस टू द एंटायर स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट को भी. ये इतना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे परफॉर्म करती है. सो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग AIIB. अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.